बॉलीवुड, जहां हर साल एवरेज 1000 मूवीज बनती है, लेकिन हम तक सारी मूवीज नहीं पहुंच पाती। जो पहुंचती हैं, उनमें से कई मूवीज हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कई हमें इस कदर पसंद आ जाती है कि उन्हें हम सालों तक नहीं भूल पाते। और इस वीडियो में शामिल है बॉलीवुड की 10 ऐसी ही मूवीज जिन्हें आप अभी तक नहीं भूल पाए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इन सभी मूवीज की रैंकिंग मैंने IMDb, रोटन टमाटोज और गूगल यूजर लाइक परसेंटेज के बेस पर की है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, गजिनी। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई, जो कि रीमेक थी 2005 की सेम टाइटल की एक तमिल मूवी की, जो इंस्पायर्ड थी साल 2000 की हॉलीवुड मूवी मोमेंटो से। फिल्म बहुत ज्यादा इमोशनल है, जिसका कारण है इस फिल्म की लव स्टोरी और इस फिल्म का म्यूजिक, जिसे कंपोज किया है सर A.R. रहमान ने। ये 2008 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। नंबर 9, लुटेरा। फिल्म 2013 में रिलीज हुई। इस फिल्म में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य किरदार निभाए हैं। ये फिल्म इंस्पायर्ड है लेखक ओलिवर हेनरी की 1907 में लिखित एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ से। फिल्म का प्लॉट 1953 का है। फिल्म की स्टोरी और फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। ये एक लव स्टोरी है जिसकी एंडिंग आपको बहुत ज्यादा इमोशनल लगेगी। नंबर 8, लैला मजनू। ये फिल्म रिलीज हुई साल 2018 में और शायद ये बॉलीवुड की कई अंडररेटेड मूवीज की लिस्ट में शामिल होती है। ये फिल्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, इसके कारण बहुत से हैं, लेकिन ये फिल्म बेस्ट है रोमांटिक फिल्म की कैटेगरी के लिए। फिल्म में बिल्कुल नए चेहरे हैं और इनकी एक्टिंग भी काबिले तारीफ है। स्टोरी बहुत इमोशनल है और इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, स्पेशली फिल्म का टाइटल सॉन्ग। रही बात फिल्म की स्टोरी की, तो रेगुलर रोमांटिक फिल्मों से तो काफी अच्छी है। इस फिल्म की एंडिंग शायद फिल्म के टाइटल के आधार पर सेट की गई, जो हमें इमोशन से भर देती है और जिसका असर कुछ समय तक बना रहता है। नंबर 7, तमाशा। ये फिल्म रिलीज हुई साल 2015 में, जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य किरदार निभाया है। फिल्म को जिस अंदाज से बनाया गया है, शायद मेनस्ट्रीम ऑडियंस को वो अंदाज पसंद नहीं आया, इसलिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर समाज के उन लोगों की परछाई बनकर सामने आया है, जो अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को लोगों की सीमित सोच के तले दबाकर जिंदगी जीते हैं। फिल्म आपको इमोशनल कनेक्ट तब करेगी जब आप इन दोनों किरदारों की कहानी को अपने जीवन के साथ मिलाकर देखोगे। कहीं ना कहीं आप भी इन दोनों किरदारों को अपने जीवन में महसूस कर चुके होंगे। नंबर 6, सनम तेरी कसम। 2016 में आई ये फिल्म आप में से कई दोस्तों की फेवरेट फिल्म होगी और इस फिल्म को देखकर आप जरूर इमोशनल हुए होंगे। फिल्म हमें सिखाती है कि दो रिश्ते शरीर से नहीं बल्कि फीलिंग से बनते हैं। फिल्म के सॉन्ग्स इतने ज्यादा दिल को छू जाते हैं कि आज भी उन्हें सुनकर फिल्म की सैड स्टोरी याद आ जाती है। 4 साल बाद भी ऐसी कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं आई जो इस तरह का फील दे सके। अगर आपको पता है कि इसके जैसी कोई मूवी है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, माय नेम इज खान। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई और आज भी इसका असर हमारे बॉलीवुड सिनेमा में है। स्वदेश फिल्म के बाद ये शाहरुख खान की बेस्ट फिल्म है, जो समाज को एक नया नजरिया देती है और एक नई सोच देती है और एक प्रेरणा देती है बॉलीवुड को आगे ऐसी मूवीज बनाने के लिए। ये मूवी बताती है कि इंसान चाहे किसी एक कमी के कारण दूसरों से अलग हो सकता है, लेकिन जो दूसरों से अलग होता है वही कुछ अलग कर पाता है। नंबर 4, रंग दे बसंती। 2006 की इस मूवी ने लोगों के सामने दो हालात रखे और दोनों हालातों में अंतर बताया कि तब और अब में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ये देश नहीं बदला है। इस देश के लोगों में आज भी परिवर्तन का भाव मौजूद है। सामाजिक एकता को दर्शाते हुए फिल्म दोस्ती की मिसाल कायम कर जाती है और फिल्म देखने के बाद हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ हैं। नंबर 3, मसान, जो रिलीज हुई 2015 में। फिल्म में विकी कौशल, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा और श्वेता त्रिपाठी ने मुख्य भूमिका निभाई। वरुण ग्रोवर ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है और इस फिल्म में विकी कौशल ने जो एक्टिंग की है, उसे देखकर तो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। कितना बुरा लगता है जब हम उसे हमेशा के लिए खो देते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है। ये इस फिल्म के जरिए बहुत ही भावुकता के साथ बताया गया। नंबर 2, पिंक। 2016 में आई ये फिल्म स्वतंत्र महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक रवैया और 21वीं सदी के भारत में उन्हें कलंकित करने के मुद्दे को संबोधित करती है, जिसने पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्त्री किसी के बाप की जागीर नहीं है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ति गुलाड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई है। नंबर 1, तारे जमीन पर। 2007 रिलीज बॉलीवुड की इस फिल्म में रेगुलर स्टोरी से हटकर एक नई सोच के साथ फिल्म जगत में कदम रखा। अक्सर मूवीज में रोमांटिक स्टोरी होती है जो हमें इमोशनल लगती है,
लेकिन इस फिल्म ने साबित किया कि इमोशनल फीलिंग सिर्फ रोमांटिक स्टोरी देखकर ही नहीं बल्कि हर उस शख्स को देखकर आ सकती है जो इंसानियत को समझता हो। फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर एक टीचर का है जो चाहता है कि हर उस बच्चे को समाज में समान जगह दी जाए जिसे समाज के लोग किसी कारण से कमजोर मानते हैं, और इस सोच ने कई माता पिता की सोच को बदला है। इस वीडियो के दौरान मेरी पूरी कोशिश रही कि इन मूवीज के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं, लेकिन मेरा विचार काफी नहीं है इन मूवीज की डेफिनेशन को बयान करने के लिए, लेकिन आपका है तो अपना विचार कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी मुलाकात आगे भी होती रहे। ओके भाई, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।